सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारत के साउथ अफ्रीकी दौरे में भारत के दोनों कलाई के स्पिनर्स कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल छा गए। इन दोनों की बदौलत भारतीय गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीकी धरती पर जादू कर दिया। वनडे सीरीज में 5-1 से भारत की फतह में इन दोनों ने कुल 33 विकेट चटकाए हैं। सबसे बढ़कर चहल और कुलदीप के प्रदर्शन से मैच के नतीजे तय हुए हैं। वनडे सीरीज में चाइनामैन कुलदीप यादव ने 17 विकेट लेकर टॉप पर रहे, जबकि उनके दूसरे फिरकी साथी युजवेंद्र चहल के खाते में 16 विकेट आए हैं। इसके साथ ही कुलदीप ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो अफ्रीकी धरती पर किसी बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, लेकिन संयुक्त रूप से। इससे पहले साउथ अफ्रीकी गेंदबाज क्रेग मैथ्यूज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के 7 मैचों में 17 विकेट निकाले थे, जबकि कुलदीप 24 साल बाद उनसे एक मैच कम खेलकर ही 17 विकेट चटकाने में कामयाब रहे। युजवेंद्र चहल 16 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इन दोनों के अलावा कोई और गेंदबाज अफ्रीकी धरती पर वनडे बायलैटरल सीरीज में 13 से ज्यादा विकेट नहीं ले पाया। साल 1994 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में अफ्रीका के गेंदबाज क्रेग मैथ्यू ने 17 विकेट लिए थे। 17 विकेट कुलदीप यादव ने भी भारत के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 मैचों में लिए हैं और 16 विकेट युजवेंद्र चहल ने भारत के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 मैचों में लिए हैं। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।